नमस्कार, एसटीवी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अलवर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सूर्यनगर में मिली सरकटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी हुए गिरफ्तार। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचारों के खिलाफ आवाज की बुलंद। अलवर की 6 नगर पालिकाओं में भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 2 पर पाई सफलता। और भिवाड़ी पुलिस को भी मिली बड़ी सफलता, पपला गुर्जर का शार्प शूटर चढ़ा पुलिस के हत्थे। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ नजर डालते हैं। पिछले दिनों एनएबी थाना अंतर्गत सूर्यनगर क्षेत्र में मिली एक सरकटी लाश मामले में पुलिस ने आज पर्दाफाश कर दिया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 आरोपियों में बलजीत उर्फ बलजीता, गुरजीत उर्फ बिल्ला और सेंटी उर्फ जसविंदर व हनी उर्फ रवि है। दरअसल फिरोज की हत्या के पीछे फिरोज की हत्या के आरोपी सेंटी और हनी की बहनों से अवैध संबंध होने के शक के चलते इन्होंने फिरोज की हत्या करने की योजना बनाई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी तेजस्विनी गौतम ने एएसपी शिवलाल बैरवा, सीओ सिटी विकास सांगवान, आईपीएस ज्येष्ठा मैत्री के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसमें एसएचओ एनईबी विजेंद्र सिंह, जहीर अब्बास, एसएचओ अरावली विहार सहित एनईबी थाना पुलिस व डीएसटी टीम का गठन कर संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारियां जुटाई गई और आसपास के घरों से पूछताछ की गई। कॉल डिटेल से भी तथ्य जुटाए गए। सभी आरोपी स्मैक का नशा करते थे। हत्या की योजना बनाकर आरोपियों ने फिरोज को बुलाया और शराब व स्मैक आदि का नशा किया, जिसके बाद फिरोज को एक खंडर नुमा सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसकी बकरा काटने वाली टांची से उसकी गर्दन काटकर अलग कर दी। पुलिस ने इस मामले में शक के आधार पर वह परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार कि आखिरी समय में फिरोज को हन्नी के साथ देखा गया था, पुलिस ने हन्नी व उसके साथ के कुछ अन्य लोगों से बुलाकर सख्ती से पूछताछ की और कॉल डिटेल्स के आधार पर सारा मामला खुल गया। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने ही फिरोज की हत्या की है। 11 तारीख को सूर्यनगर में एक धड़ से अलग कटी सरकटी लाश हमको मिली थी। कंट्रोल रूम पे सूचना मिली थी, जिसकी आइडेंटिफाई किया गया था फिरोज नाम के एक व्यक्ति के रूप में, जो मुल्तान नगर में रहने वाला था, जिसकी एक मिसिंग रिपोर्ट भी एनईबी थाना क्षेत्र में दर्ज थी। पूरी टीम ने विकास सांगवान सीओ आईपीएस के निर्देशन में एसएचओ एनईबी विजेंद्र सिंह, एसएचओ अरावली विहार जहीर और एसएचओ सदर महेश शर्मा और डीएसटी और साइक्लोन सेल की पूरी टीम ने मिलकर इस पूरे ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व किया है। 4 व्यक्ति इसमें अरेस्ट किए गए हैं, बलजीत, बिल्ला और गुरजीत, हन्नी और संती। ये चारों ही इसके दोस्त थे, जो जिनके साथ ये बैठकर अक्सर नशा करता था। सेंटी की बहन और हन्नी की कज़न बहन के साथ अवैध रिलेशनशिप होने के कारण इन लोगों ने प्लान्ड वे में इसका मर्डर किया और इसका गला काटा, और फिर जिस जगह पे इन लोगों ने ये मर्डर को अंजाम दिया, वो लगभग मौका जहाँ पे ये लाश मिली थी उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और फिर ये लोग ऑटो में रखकर ये लोग वहाँ तक उस लाश को वापस डाल के आए हैं झाड़ियों के बीच में। जिस ऑटो का प्रयोग इसमें किया गया है, वो ऑटो भी हमने इसमें बरामद किया है। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को पॉलिथीन व बोरे में पैक कर सूर्य नगर में सुनसान जगह पर फेंक दिया। फिरोज की लाश 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे सूर्य नगर क्षेत्र में सुनसान जगह पर मिली थी, जबकि उसकी हत्या 4 दिन पूर्व कर दी गई थी। जिस टेम्पो में शव को लाकर पटका गया, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले में फिरोज के परिजनों ने एनईबी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फिरोज 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे बाद से घर से लापता था। एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में बताया कि पकड़े गए आरोपियों का सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके खिलाफ अनेकों मामले विभिन्न थानों में चल रहे हैं। इनके पुराने रिकॉर्ड में सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हन्नी के खिलाफ कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के, मारपिटाई के, आरपीजीओ के। बलजीत के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, गुरजीत और बिल्ला के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं और सेंटी के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। सेंटी
हमारा ज़िले का 2500 का इनामी भी रह चुका है। तो ये सभी हार्डकोर क्रिमिनल्स थे। प्लान्ड वे में इन्होंने डिसाइड किया था कि इसका मर्डर करना है, और घर वालों ने भी इन्हीं के ऊपर शक जाहिर किया था। उनसे क्लू लेकर और साइंटिफिक एविडेंस को ढूंढते हुए उनसे लेकर और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो मोटिव था उसके फलस्वरूप, और पूरी टीम साइक्लोन सेल, DST और तीनों थानों की टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए, मेहनत करते हुए इस पूरी गुत्थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलवर जिले की सभी 6 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के परिणाम सामने आ चुके हैं। यहां भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 2 पर बाजी मारी है। कांग्रेस के सीताराम यादव बहरोड से और तिजारा से भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी झब्बू राम सैनी जीते हैं। वहीं किशनगढ़ बाद से भाजपा प्रत्याशी तारामणि सिंगल और खैरतल से भाजपा के हरीश रोघा ने बाजी मारी है। तो वहीं खेरली से भाजपा प्रत्याशी संजय गीजगढ़िया और राजगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सतीश दुहारिया विजयी घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर भाजपा को 6 में से 4 पर जीत मिली है और कांग्रेस को 2 पर। इसमें भाजपा को 1 बोर्ड खोने का नुकसान हुआ है। पिछले बोर्ड में भाजपा के पास 5 पर कब्जा था, तो कांग्रेस को 1 का इजाफा हुआ है। अलवर की 6 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के चुनाव में परिणाम सामने आ चुके हैं। यहां 2 पर कांग्रेस और 4 पर भाजपा ने बाजी मारी है। अलवर जिले की 2 नगर पालिकाओं बहरोड और खेरली में निर्विरोध अध्यक्ष पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं। इसमें बहरोड से कांग्रेस के सीताराम अध्यक्ष बने और वहीं खेरली में भाजपा के संजय गीजगढ़िया निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। बात करते हैं सबसे पहले किशनगढ़ बास नगर पालिका की। यहां भाजपा प्रत्याशी तारामणि सिंगल विजयी रही। यहां 25 वार्ड पार्षदों में तारामणि को 16 व कांग्रेस की हेमलता को 9 मत दिए गए। यहां भाजपा की जीत हासिल करने में पूर्व विधायक रामहेत यादव व बनवारी लाल सिंगल की रणनीति काम आई। यहां से विधायक दीपचंद खैरिया के विधायक व प्रदेश में उनकी सरकार होने के बावजूद वह मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाए। बात खैरतल नगर पालिका की, जहां भाजपा का बोर्ड बना है। यहां से भाजपा के हरीश रोघा विजयी हुए। यहां 35 वार्ड पार्षदों में भाजपा प्रत्याशी हरीश रोघा को 21 व कांग्रेस प्रत्याशी विक्की चौधरी को 14 मत दिए गए। यहां भी भाजपा का बोर्ड बना है। यहां भी पूर्व विधायक रामहित यादव व बनवारी लाल सिंगल की जोड़ी कामयाब रही। इस दौरान अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी खैरतल पहुंचे और भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी और जनता का भी आभार जताया। इसमें सबसे बड़ी रणनीति वहां काम आई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अशोक डाटा को भाजपा में शामिल कर लिया गया। मैं इस अवसर पर किशनगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय तारामणि जी सिंगल को 16 मत दे के 25 में से बहुमत से जिताया। मैं आपके माध्यम से किशनगढ़ की जनता को, खैरतल की जनता को धन्यवाद देता हूँ, और हम अच्छा काम करके दिखाएं। हमारी टीम नई बनी है, सब लोग साथ कर मिल करके काम करेंगे। वहीं अलवर के तिजारा में 25 वार्डों के चुनाव में आए परिणामों ने भी हैरान कर दिया। यहां कांग्रेस के मात्र 3 पार्षद जीते और भाजपा के 2, और वहीं 1 CPI प्रत्याशी विजयी रहा। सबसे बड़ी बात यह रही कि 25 वार्ड पार्षदों में से 19 पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय विजयी पार्षद झब्बू राम सैनी को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया और वह 15 वोट लेकर अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए। वहीं भाजपा के प्रत्याशी संजय जैन को मात्र 10 वोट मिल पाए। इसमें विधायक संदीप यादव की रणनीति काम आई, जो 3 पार्षद होने के बाद भी तिजारा में कांग्रेस का बोर्ड बनाने में सफल रहे। जिस तरीके से तिजारा का विकास किया है, जिस तरीके से तिजारा विधानसभा में ऐतिहासिक काम किए हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तिजारा की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है, और इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में तिजारा की जनता ने धर्म को चुना है। जिस तरीके से लोगों ने प्रलोभन दिया, जिस तरीके से इस चुनाव में बहुत सारी अफवाह चलाई, बहुत सारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, पर तिजारा की जनता समझदार थी, और मैं वादा करता हूं हमारी पूरी टीम मिलकर तिजारा को साफ सुथरा शहर बनाने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। तिजारा का विकास होगा, सरकार के साथ मिलकर बजट की कोई कमी नहीं आने दूंगी, मैं तिजारा की जनता को भरोसा दिलाता हूं। राजगढ़ नगर पालिका के परिणाम सबसे लेट आए। यहां 35 वार्ड पार्षदों ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए वोट डाला। इसमें भाजपा प्रत्याशी सतीश दुहारिया निर्वाचित किए गए। भाजपा के सतीश दुहारिया को 35 में से 24 वोट मिले। वहीं निर्दलीय राजेंद्र चेयरवाल को 10 मत मिले, 1 मत यहां खारिज हुआ। भाजपा समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया।
कुल मिलाकर कांग्रेस में खुशी है, पिछली बार के एक बोर्ड से दो पर पहुंचे हैं, वहीं भाजपा में चार बोर्ड बनाने का जश्न तो है लेकिन एक बोर्ड का उन्हें नुकसान हुआ है। राजगढ़ के विकास के लिए जो भी कार्य होगा मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। पानी के लिए जो होगी वो प्राथमिकता होगी इनकी, पानी की समस्या के लिए अतिक्रमण को हटाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा, जो भी काम है जो भी कार्य होगा किया जाएगा। बात खैरथल नगर पालिका की, जहां भाजपा का बोर्ड बना है, यहां से भाजपा के हरीश रोगा विजयी हुए। यहां 35 वार्ड पार्षदों में भाजपा प्रत्याशी हरीश रोगा को 21 व कांग्रेस प्रत्याशी विक्की चौधरी को 14 मत दिए गए। यहां भी भाजपा का बोर्ड बना है, यहां भी पूर्व विधायक रामहित यादव व बनवारी लाल सिंगल की जोड़ी कामयाब रही। इस दौरान अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी खैरथल पहुंचे और भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी और जनता का भी आभार जताया। इसमें सबसे बड़ी रणनीति वहां काम आई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अशोक डाटा को भाजपा में शामिल कर लिया गया। चुनाव खैरथल में आपकी अहम भूमिका रही है बोर्ड बनाने में, तो किस तरीके से आपने बोर्ड बनाने में अपनी भूमिका निभाई? हमारे भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे की सरकार ने जो काम किया था और अब 2 साल से जिस तरह से हर मामलों में अनुशासन, कानून व्यवस्था, विकास के सारे काम रुके हुए थे, हमने जनता को कहा कि अगर आप ये विकास के रथ को वापस शुरू करना चाहते हो तो हमको कमल का फूल खिलाइए, वोट दीजिए, वोट बनवाइए, हम निश्चित रूप से खैरथल के विकास का जो गति रुक गई है उसको वापस शुरू करेंगे। मैं खैरथल की जनता का हृदय से आभारी हूँ और हमारे नए सहयोगी मेरे बड़े भाई जो हमारी पार्टी के पहले यहाँ के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व चेयरमैन आदरणीय अशोक डाटा जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि आपके मन में पहले से मोदी था और आगे भी रहेगा ये भाव लेकर के आप हमारी टीम में और हमारे यहाँ संरक्षक के रूप में काम करेंगे, इन्होंने स्वीकार किया। मैं इनके और इनके सहयोगियों का धन्यवाद देता हूँ। हमारा खैरथल के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी को 21 वोट मिले हैं और विपक्ष के दल को हमारे को 14 वोट मिले हैं और मैं मानता हूं कि पहले से सुनिश्चित था और जिस प्रकार का जोश चुनाव के समय पर देखने को पब्लिक में मिल रहा था और माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और ये जैसे कि पिछले समय पर पूरे राजस्थान में जो 21 जिलों में पंचायत राज के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई और वर्तमान में जितनी नगर पालिकाओं में पूरे राजस्थान के अंदर जो चुनाव थे उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी का लगभग 70% भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बने हैं। मैं मानता हूँ कि सरकार को ये राजस्थान प्रदेश की जनता का करारा जवाब है और सरकार की जो उल्टी गिनती सरकार बनने के बाद में ही उसका शुरुआत हो चुकी थी लेकिन वो उल्टी गिनती आज और ज़्यादा गति से इन परिणामों के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही है और इस सरकार को समझना चाहिए कि जो वादे जनता से किए थे उन वादों को ये कांग्रेस सरकार पूरा करे। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे को हाइब्रिड फॉर्मल से चेयरमैन बनाने का मौका दिया। 5 साल आपकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? सबसे बड़ी समस्या जो खैरथल में पानी की है उसको समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे सबसे पहले। और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रही जो पहले समाधान उनका नहीं हो पाया और आप उनको उनकी जो जो हमारे बोर्ड में पास हुए हुए वर्क कार्य हैं और कांग्रेस शासन ने उनको रोक रखा है, सबसे पहले हम उनको शुरू करवाएंगे। चलते एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हथियारों से लैस 4 बदमाशों को एक होटल से दबोचा है। इसमें कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर का साथी दानवीर गुर्जर, जो पपला का साथी बताया जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही के दौरान पता चला कि बदमाश हथियारों के बल पर होटल में ही संचालित स्पा सेंटर की 2 महिला कर्मचारियों को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म भी कर चुके हैं। ये बदमाश एक बिल्डर की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। भिवाड़ी मोड़ के पास हरियाणा के एक बिल्डर की हत्या करने की फिराक में ठहरे 5 बदमाशों को पुलिस ने रात करीब 1:30 बजे सशस्त्र ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया। एसपी राममूर्ति जोशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों से 2 विदेशी पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 12 जिंदा कारतूस सहित 1 कार भी बरामद की गई है। वे बदमाश हरियाणा के द्वारकाधीश सोसाइटी के एक बिल्डर की हत्या करने के इरादे से यहां आए थे। कल गुड़गांव से एक आपराधिक गैंग आके, या ओयो होटल है भिवाड़ी में, उसमें रुकी थी और हथियारबंद गैंग थी। इसके बारे में हमको सूचना मिली कि एक हथियारबंद गैंग आकर होटल में रुकी है और होटल में 2 लड़कियों को उन्होंने
बंधक बना लिया है। इस सूचना के आधार पर थानाधिकारी भिवाड़ी श्री जितेंद्र सिंह ने सशस्त्र कार्रवाई करते हुए जो है लड़कियों को भी मुक्त कराया, पांचों अभियुक्तों को, पांचों बदमाशों को हिरासत में लिया। उनसे गहनता से पूछताछ हुई तो ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति जो हैं फिरौती के लिए कल कोई अगले दिन मर्डर करने के लिए यहाँ आए हुए थे। इनको मर्डर हरियाणा में करना था किसी बिल्डर का, व्यवसायी का, उसके संबंध में आए थे। इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन सबको जो है गहनता से हम पूछताछ कर रहे हैं, इनकी पूरी योजना के बारे में, इनकी पूरी आपराधिक गैंग के बारे में, इनके सहयोगी और साथियों के बारे में, और शीघ्र ही इसमें जो है हम और आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्डर की सर मर्डर करने के लिए आए थे, कोई ठोस वजह कुछ से? इस बाबत अभी अनुसंधान जारी है कि ये कोई जो मर्डर है, लेकिन प्रारंभिक मर्डर के लिए आए थे, क्यों आए थे, लेकिन जो प्रारंभिक सूचना और अनुसंधान से जाहिर हुआ है वो ये लगा है कि इन लोगों ने उसके लिए जो उससे फिरौती मांग रहे थे और वो फिरौती देने से मना कर रहा था। कितने लाख की फिरौती मांग रहे हैं ये अभी अनुसंधान का विषय। अभी की पूछताछ सर कोई बड़े गैंग से इनके तार जुड़े हुए या खुद ही बड़े गैंगस्टर हुई है? हाँ, बड़े आपराधिक गैंगों से इनके संबंध पूर्णतया हो सकते हैं और इस बाबत अभी हम पूर्ण अनुसंधान कर लें, अनुसंधान से चीज़ों को स्थापित कर दें, उसके बाद कुछ बता पाएंगे। पकड़ा गया आरोपी पपला गुर्जर से भी जुड़े बता रहे इसके दानवीर के पूर्व में तो हत्याओं में इसका संबंध जो है पपला गुर्जर से रहा है और उसके साथ ये सहअपराधी रहा है दो हत्या के मुकदमों में। लेकिन भिवाड़ी पुलिस को भनक लगते ही एसपी राम मूर्ति जोशी ने हथियारों से लैस होकर जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट देकर 20 पुलिस कर्मियों को ऑटोमेटिक हथियारों के साथ रात 1 बजे होटल में दबिश दिलवाई, जहां होटल के बाहर खड़ी एक कार पहले पुलिस कर्मियों ने उसकी हवा निकाली ताकि आरोपी भागने में सफल ना हो पाए। फिर होटल के कमरा नंबर 201, 202 और 205 में रुके बदमाशों की रेकी की गई। इसके बाद तीनों कमरों के दरवाजों को तोड़कर आरोपियों को दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में 24 वर्षीय नेहरू उर्फ नरेश गुर्जर निवासी जिंदा मोहल्ला भिवाड़ी का है, वहीं 21 वर्षीय दानवीर गुर्जर निवासी गड़ी भीमा थाना शेरगढ़ यूपी का रहने वाला है और 21 वर्षीय प्रिंस तिवारी निवासी तिवारीपुर जिला सुल्तानपुर यूपी का है, जो हाल ही में रामवीर कॉलोनी भिवाड़ी के एक मोहल्ले में रहता है। वहीं एक 27 वर्षीय लोकेश उर्फ मन्नू निवासी मुक्तिबाड़ा जिला रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 24 वर्षीय राहुल जो निवासी धारूहेड़ा का है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम जब अंदर पहुंची तो बदमाश दो युवतियों के साथ मिले। दोनों युवतियां होटल में संचालित स्पा सेंटर की कर्मचारी हैं। होटल मैनेजर को डराकर हथियारों की नोक पर उनसे दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने लड़कियों का मेडिकल भी कराया है। बदमाश नेहरू गुर्जर 2016 में महेश्वरी में एक हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह कोरोना के चलते अप्रैल से पैरोल पर छूटा और फरार हो गया। इसके साथ ही दूसरा बदमाश दानवीर गुर्जर ने कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर के साथ खैरोली में 2014 में विमला देवी व 2015 में श्रीराम निवासी बिहारीपुर हरियाणा की हत्या की थी। वह पपला की गैंग का शार्प शूटर बताया गया है। हरियाणा के धारूहेड़ा में स्थित द्वारकाधीश सोसाइटी के बिल्डर धर्मेंद्र की हत्या करने की योजना बनाई गई थी। धर्मेंद्र इनके विरोधी गुट के गज्जू को सपोर्ट करता था। इन्होंने धर्मेंद्र को जान से मारने की धमकी भी दी थी और उससे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। धर्मेंद्र ने इस मामले में धारूहेड़ा थाने में भी मामला दर्ज कराया था। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि यह कार्यवाही करीब 1 घंटा चली। बदमाश होटल में एक पहली मंजिल पर रुके हुए थे। नेहरू भिवाड़ी का निवासी है, उसने ही यहां कमरा बुक करवाया था। उसे होटल में स्पा सेंटर की जानकारी भी थी। पुलिस को यहां अन्य लोगों की आईडी भी नहीं मिली है। पुलिस को पता था कि बदमाशों के पास हथियार भी है, इसलिए सभी पुलिस कर्मियों को ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट में भेजा गया था। इस टीम में फुलवाग थाना प्रभारी जितेंद्र सोलंकी, एएसआई बलवान सिंह, हरभजन सिंह, हेड कांस्टेबल धन सिंह, राजकुमार मोहनलाल, कांस्टेबल योगेंद्र, वीरेंद्र, सुरेंद्र, सतवीर, मनोज और हुकम सिंह, पवन, शांतिलाल, राजेश, ओम प्रकाश, बिल्लूराम और हाकम महावीर सहित संदीप आदि शामिल रहे। प्रदेश में सरकार अपने 2 साल को बेमिसाल बताकर आयोजन कर रही है।
वहीं अलवर में भाजपा महिला मोर्चा ने सरकार के 2 साल को कुशासन बताया। आज महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूजा यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। आज भाजपा महिला मोर्चा जिला अलवर के द्वारा राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जो कुशासन के 2 साल पूरे हुए हैं और महिलाओं पे जो 2 साल के रिकॉर्ड तोड़ अत्याचार, रेप, बलात्कार की घटनाएं, आम जन जिस तरह बेहाल है, त्रस्त है इस कुशासन से, और विशेषकर महिलाएं जिनकी थानों में नहीं सुनी जाती है, महिलाएं रेप पीड़िता महिलाएं दर दर भटकती हैं एक अपने न्याय की गुहार के लिए, उनकी FIR तो दूर है, कोई सुनने वाला तक इस प्रदेश में नहीं है। इस सैया पे गई हुई इस गहलोत सरकार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अलवर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सूर्यनगर में मिली सरकटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी हुए गिरफ्तार। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचारों के खिलाफ आवाज की बुलंद। अलवर की 6 नगर पालिकाओं में भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 2 पर पाई सफलता। और भिवाड़ी पुलिस को भी मिली बड़ी सफलता, पपला गुर्जर का शार्प शूटर चढ़ा पुलिस के हत्थे। STV न्यूज चैनल पर आज इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।